बड़ी खबर अंबिकापुर से हमारे पास आ रही है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत भगत की सीएसपी से बहस हुई है। नामांकन फॉर्म खरीदने गए थे अमरजीत भगत, मीडिया से बात करने पर सीएसपी ने आचार संहिता का दिया था हवाला। कलेक्ट्रेट परिसर में मीडिया से बात कर रहे थे अमरजीत भगत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबिकापुर से, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी और सीएसपी की बहस हो गई। नामांकन फॉर्म खरीदने गए थे अमरजीत भगत, इस दौरान बहस हुई है। जानकारी के मुताबिक मीडिया से बात करने पर सीएसपी ने आचार संहिता का हवाला दिया था। कलेक्ट्रेट परिसर में मीडिया से बात कर रहे थे अमरजीत भगत। अधिक जानकारी के लिए जुड़ा है संवाददाता श्रवण। श्रवण, आपसे जानना चाहेंगे, अंबिकापुर में कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत भगत की सीएसपी से बहस हुई, आखिर विवाद का क्या कारण रहा, विस्तार से बताएं। जी, मैं आपको बता दूं कि आज सीतापुर कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत भगत अपने नामांकन फॉर्म के लिए मुख्यालय आए हुए थे। नामांकन फॉर्म लेने के बाद जैसे ही वापस लौट रहे थे, वहां पर कुछ मीडियाकर्मी मौजूद थे जिन्होंने चुनाव संबंधित कुछ जानकारी लेने चाहिए, इस पर सीएसपी भी वहां मौजूद थे। सीएसपी ने वहां पे कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत भगत को कहा कि आप यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये आचार संहिता का उल्लंघन है, और ये आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा कि किसी प्रकार का प्रेस यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, जिसको भी कुछ भी अगर बात करना है प्रेस से तो वो कलेक्टर परिसर से बाहर जाके बात करे। जी, लेकिन श्रवण, सवाल वही निकल कर एक बार फिर सामने आ रहा है कि लगातार हम देख रहे हैं आचार संहिता के उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं। अगर कांग्रेस प्रत्याशी की बात की जाए तो क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया रही इस दौरान? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही अगर सीएसपी साहब वहां पे इस आचार संहिता को उल्लंघन का धौंस देने लगे तो अमरजीत भगत ने कहा कि ये मीडिया है, मीडियाकर्मी है और इनकी बातों का मुझे जवाब देना है क्योंकि मैं प्रत्याशी हूँ। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं विपक्ष में हूँ और मुझे लड़ाई करना बेहद अच्छी तरह से आता है, अगर आप इस तरह से अगर आप कहते हैं तो बिल्कुल मैं आपकी आलोचना करता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन श्रवण, अगर बात की जाए यहां पर पुलिस प्रशासन की बात की जाए या प्रशासनिक अधिकारियों की हम बात करें तो यहां पर कार्रवाई की भी गुंजाइश बनती है अगर इस तरह से मामले निकलकर सामने आते हैं। लगातार आचार संहिता का अगर उल्लंघन होता रहेगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई तो जनप्रतिनिधियों और प्रत्याशियों पर की जाएगी। बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, अगर इस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी, चलिए, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबिकापुर से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत भगत की सीएसपी से बहस हुई है। मीडिया से बात करने पर सीएसपी ने आचार संहिता का हवाला दिया था, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में ही मीडिया से बात कर रहे थे अमरजीत भगत।